अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सजाद जानी, आप देख रहे हैं 24। ये एक रेस्टोरेंट है बारबेक्यू नेशंस। यहाँ पे अंदर जाते हैं, भूख बंदे से क्या क्या कुछ करवा देती है मेरे से आप अंदाज़ा लगा ले। तुहानू ये लग रहा मैं प्रोग्राम करदा, नहीं, आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है। सर ये कैफे है कि रेस्टोरेंट है? रेस्टोरेंट है सर। रेस्टोरेंट है जी सर, कैफे नहीं है। ऊपर भी है इसके कुछ? जी रूफ टॉप है। तो ज्यादा रश नीचे है कि ऊपर है इस वक्त? इस वक्त ऊपर है सर, बर्थडे का फंक्शन चल रहा है इस वक्त। बर्थडे चल रही है, ये जरा करें थोड़ा सा। अभी सूख नहीं ना रहा। ओके सर, थैंक यू। देखो मेरी बात सुनो, बात ये है जी, ये बड़ी अच्छी ये है जगह और बड़ा रीजनेबल माहौल है। बिल्कुल ऐसे। चवल किसे किस्म की नहीं मार रही ना मैं ना तू। अंदरों बहुत शरीफ आदमी, अंदरों आप जिदा मर्जी बात कर लेंगे, लेकिन इनके सामने फुल एटीट्यूड, एटीट्यूड के साथ फुल, ठीक है। बर्थडे हो रही है, बर्थडे में जाके पसूड़ी डालते हैं। डन हो गया। वो किधर है जानो? ऊपर पौड़ियां हैं, हैं पौड़ियां हैं। चलो चाहल आदमी, मैंने तुम्हें कहा सीढ़ियां सीढ़ियां पौड़ियां। स्टेयर्स स्टेयर्स। यस यस। मास्क किधर है तेरा? अच्छा इधर नहीं है। पौड़ियां चढ़ के ना उत्ते सिर्फ एक लैटरिन होती बस। कसमें बाकी सारा वेला होता। नहीं नहीं नाज़रीन, रीजनेबल एटीट्यूड, फुल फुल आइटम, उर्दू इंग्लिश मिक्स। हाय अस्सलाम वालेकुम, ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है? हाथ से एक लो हाथ। उर्दू इंग्लिश। बर्थडे किसकी है? इधर आए। आपकी बर्थडे है? जी मेरी बर्थडे। माशाल्लाह। अच्छा आपका नाम क्या है? मेरा नाम ज़ाहरा मुस्तफ़ा। ज़ाहरा मुस्तफ़ा, यार बहुत खूबसूरत नाम है। इनको जानती हैं आप? नहीं। अब जानती है? नहीं। कभी चिड़ियाघर गई है लाहौर में? हाँ गई है चिड़ियाघर। तो आप पहचाने? नहीं, मैंने कभी देखा नहीं इनको चिड़ियाघर में। ये एंड वाले जंगले में होते हैं। इनका अपना जंगला है? अरे नहीं नहीं, इन्होंने रेंट पे लिया हुआ। अच्छा रेंट पे लिया हुआ। आखिरी जंगला है, रेंट पे लिया हुआ इन्होंने। सही हो गया। अच्छा आप कितनेवीं बर्थडे है आपकी? ये मेरी 22वीं। तो क्या 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 आप क्या फील कर रही हैं आज के दिन? बहुत अच्छा। आपको क्या लगता है कि एक साल कम हुआ है लाइफ? एक साल कम हुआ है। कम हुआ है? कम हुआ। तो कम होने की आप इतनी खुशी मना रही हैं? तो अच्छा है ना, बर्थडे बड़े हो रहे हैं ना। तो फिर ज्यादा हुआ ना? ज्यादा नहीं हुआ? नहीं ज्यादा। पहले आप 21 साल की थी, अब 22 साल, तो ज्यादा नहीं हुआ? ज्यादा हो गया। तो कम कैसे हुआ? पीछे जा रहे होते हैं ना हम लोग। खुशी फिर क्यों मना रहे हैं? खुशी इसलिए मना रहे हैं कि एक साल ज्यादा और हो गया, और मैं 22 साल की हो गई है ना। अच्छा पिछले जो 21 साल गुजरे हैं उनमें कौन सा एक ऐसा काम किया है कि जो आपको फख्र हो के यार मैंने वो काम किया है, बड़ा अच्छा, मुझे बड़ी खुशी है? तो याद है गेम खेली है बहुत अच्छी। नहीं, नहीं वो नहीं, कोई ऐसा काम जिस पे आपको फख्र हो। गेम खेलने में क्या फख्र होगा आपको? गेम खेलने में अच्छा, गेम खेली अच्छी मतलब। नहीं क्या पबजी खेलते हैं? पबजी नहीं, स्पोर्ट्स की नेशनल प्लेयर हूँ, हॉकी। वो खेलती हैं? वाह इतनी उम्र में, इतनी उम्र में इंटरनेशनल भी खेला? इंटरनेशनल भी खेला हॉकी। हाँ जी, कनेर को से इंटर किया हुआ मैंने, और हाँ जी और आगे इंटर। ये प्लेयर है वो बेंटे नहीं होते, उसका इंटरनेशनल प्लेयर है। इंटरनेशनल खेल के आया। अच्छा और दिस इज ए मंकी किला, एक गेम होती है जिसे पंजाबी में बांदर किला कहते हैं। बांदर किला उसका भी इंटरनेशनल। मंकी किला इज बेटर। मंकी। अच्छा मंकी किला, वो मंकी स्टिक उसका भी प्लेयर है। अगर मैं को करके दिखाएं, दिखाएंगे क्या क्या करके दिखाएं? क्या करके? मंकी वाला स्टाइल। मंकी वाला स्टाइल करके दिखाना क्या? आप देखो आप आए। ओके है, ओके मैं तैयार। अच्छा क्या खाने में क्या क्या है? खाने में बहुत कुछ है। खाने में बहुत खुश हो रहे हैं तुहानू देख के। इधर आओ बेटा,
मैनू वेख के नहीं खुश हो रहा, मैं तो नजर ही नहीं आ रहा। आप क्यों हंस रहे हो? इनको देख के हैं, इधर देखो, क्यों हंस रहे हो? किसको देख के हंस रहे हो? मुझे या इसे? सच बता दो, सही बताओ, इसे देख के बता दो क्या? किसको देख के हंस रहे हो? इनको देख के हंस रहे हो ना? इसको, इनको ना बता दो। बोलो जाने साहब, हंसी जा रहा है, स्माइलिंग फेस। आ जाओ जी। अच्छा इधर हो ना, एक एक बात कर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बहुत प्यारी। आप जिस तुझे आप ही फैसला कर लिया जी। आप जिनकी ये है सालगिरह जी, उन पीछे पीछे क्यों ही जा रही हैं आप? उनकी क्या लगती हैं? फ्रेंड है मेरी। आपकी फ्रेंड है जी? दूर से पास से? बहुत पास से, करीबी फ्रेंड है। हाँ जी। आपकी सालगिरह कब होती है? 22 नवंबर को। 22 नवंबर को गुजर के गई है। गुजर के गई है, तो अभी आप हिसाब चुकता करने जी। माशाल्लाह। खाने में क्या क्या है उसको बताओ, हम तो बस सेलिब्रेट करने, हम खाने थोड़ी ना। गिफ्ट क्या लेके आई हैं आप? गिफ्ट बताते थोड़ी ना। बता दे ना आप, पता चले कि आपको अपनी दोस्त से मोहब्बत है तो आप गिफ्ट लेके आई हैं। नहीं ना, बताते नहीं, आप खोल ले। किधर है वो? बहुत बड़ा है। गिफ्ट मैं खोलूंगा। इधर आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। आपकी क्या रिश्तेदारी है सालगिरह वाले? मेरी ऑफिस को लीक है। अच्छा। हाँ जी। यार सारे रिश्तेदार उनका कोई नहीं है इधर? नहीं। आप? ऑफिस कलीग। आप? ऑफिस कलीग। इधर आए आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? आप भी कहे मैं बहुत प्यारी। बहुत प्यारी है ना? आप भी फैसला कीता मैं बहुत प्यारी, मुझे पूछे। चले आप बता दें क्या मैं कैसी हूँ? नॉर्मल है। थैंक यू। अच्छा नॉर्मल पे भी थैंक यू। अच्छा ये बताएं आप गिफ्ट क्या लेके आई हैं? मैं क्या गिफ्ट लेके आई हूँ कैसे बताऊं? चोरी करके लेके आई हूँ। क्या लेके आई बताएं? उसकी पिक्चर और फ्रेम, चॉकलेट्स और परफ्यूम। उससे उसका क्या फायदा होगा? कोई ऐसी चीज जो उसको फायदा हो? वो अपनी तस्वीर देख के खुश हुआ करेगी। तो वो तो आईने में भी देख सकती है, शीशे में भी देख सकती है। ऐसे भी देख लेगी वो। ऐसे भी? अच्छा एक पिक्चर लेके आई है, एक परफ्यूम जी। माशाल्लाह। अच्छा मेरी अभी तक मुझे यही नहीं पता कि सालगिरह किस दिन होती है। सच्ची बात बता रहा हूँ, मैं एक दिन अपनी अम्मी को पूछा, मैंने कहा मुझे बताएं तो सही, मेरे लोग पूछते हैं कि क्या है डेट ऑफ बर्थ। मेरी अम्मी कहती सोच के ना, कहती मेरा ख्याल आ 15 जनवरी सी, ते अगस्त का महीना सी। मैं कहा माँ जी तुम सो जाओ। तो इसलिए मुझे अभी तक नहीं पता, मैं अंदाजन कोई ना कोई दिन खुद ही साल में। चलें अब बताएं फिर आप कितने साल के हैं इस टाइम? तो ये नहीं पूछ, एंकरों से उनकी उम्र नहीं पूछते। सही बात है। अभी मैं आपको कहूँ आप 30 साल की हैं तो आपने गुस्सा ही करना है? कह दें, मैं तो नहीं गुस्सा करती। क्यों? मैं हूँ नहीं जब, तो मैं गुस्सा क्यों करूँ? ओके, मैं आप कितने साल का लगता हूँ आपको? 2 साल के। जाए उससे पूछे। इधर उधर। आपका नाम क्या है? इमान नाल। हाँ जी, मान नाल। मान नाल। अच्छा आपकी वो क्या लगती है जिन्होंने ये सारी पछोड़ी डाली है? मेरी कजन है खाला की। शुक्र है कोई तो एक ऐसा मिला जो जिसका रिश्ता भी है, नहीं तो कोई कुलीक है, कोई दोस्त है, कोई पता नहीं। नहीं बहन भी है उनकी। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, आप सब लोग जो इकट्ठे हुए हैं सालगिरह मनाने पे, उनकी बर्थडे मनाने, आओ देख अब क्या प्रॉब्लम क्या है? मेरी बर्थडे मुझसे पूछे ना, आप क्या पूछ रहे हैं लड़कियों से क्या? आप ये किसकी बर्थडे, किसकी बर्थडे? नहीं आपको क्या हो रहा है अभी? मैं इनसे पूछूं ये क्यों आई है, इनसे पूछ नहीं सकते यार आप? तो क्या उससे बातें जा रहे हैं आप उससे? मैंने क्या पूछ लिया उससे? वही जो बातें करी जा रहे हैं आप उससे। तो उससे बातें करना क्या है? गलत बात है मुझसे बातें करें, बर्थडे किसकी है? मेरी, आज मेरा दिन है। तो इन सबको क्यों बुलाया, अकेली आती आप? फ्रेंड है ना, आना चाहिए ना उनको। तो जब आएंगे तो आएंगे तो एंजॉय करेंगे ना अकेले। तो मैं उनसे तो मैं उनकी फीलिंग नहीं पूछ सकता? पूछे। गिफ्ट क्या लेके आई आप इनके लिए? शर्ट टॉप। आप नहीं, शर्ट। अच्छा सिर्फ शर्ट? शर्ट। आप नहीं? SHIRT शर्ट। यानी मैंने हिसाब लगाया की सब मातड़ निजाम कट्ठा है। अच्छा। 200-400 रुपए वाला नहीं है,
गल नहीं है। शर्ट सस्ती नहीं आती, आप किसी ब्रांड पे जाएं। 2,000 की 3,000 की होगी, और क्या होगा। इतनी प्यारी माशाल्लाह मेरी बहन है, इसको कम से कम 20-25 हज़ार वाला गिफ्ट देना चाहिए। आपने देना 20-25 हज़ार। मैं कहता हूँ कि मैं तो कहता ही नहीं हूँ, मैं कहता हूँ कि मैं कहता ही नहीं हूँ। चलो चलो, क्या लेना है बोलो, क्या लेना है क्या? आज मेरी बर्थडे, क्या दे रहे हैं आप मुझे गिफ्ट? ये पिक्चर लेके आई है, ये पिक्चर लेके आई है। मैं पिक्चर वाला वो जो दीवार में केला ना वो दे देता हूँ, क्योंकि पिक्चर लगानी भी तो है ना। है? वो साइड टेबल वाली है, साइड टेबल वाली है। हाँ, साइड टेबल मैं उसके पीछे बटो, वो बहुत सस्ती है, वो हम भी ले सकते हैं। आप अगली बात करें, अगली पिक्चर। ओए, अगली ये तुम्हारे गिफ्ट को क्या कह रही है? क्या कह रही है? कह रही है वो बहुत सस्ती है, वो मैं भी ले सकती हूँ। मैंने कहा खीर बहुत सस्ता है जो आप लेकर आओ। नहीं, मैं आपको वो दूसरा हुक बनवा दूंगा, लाना दे, वो हमें भी आता लेने के लिए। आप अगली बात करें, अगली। अच्छा, मैं तस्वीर लेमिनेशन कराता हूँ। कुछ तो तू बेचो काट सारा कुछ करवा के लाएंगे। आप शर्ट ले गए? हाँ, बाजू वाली नहीं, फुल स्लीव्स। सर्दी है तो फुल स्लीव ही लेके आएगी ना। सर्दी है तो फुल स्लीव लेके आएगी। शर्ट ले आई, पिक्चर ले आई, गिफ्ट होते हैं। और कैसे गिफ्ट होते हैं? अब हम गाड़ी तो गिफ्ट कर नहीं सकते। गिफ्ट होता है, आप उसके लिए गोल्ड की कोई चीज लेके आए। पैसे भी होने चाहिए उतने। पैसे नहीं है तो फिर यहाँ पे क्या करने आई है? खाना खाने। ये असल पॉइंट जिसके लिए मैं आधा घंटा मेहनत कर रहा हूँ ना, वो ये बात। अच्छा जी, आप इतना है सर? नहीं सर, भाई है ना छोटा। अच्छा, आप की क्या लगती हैं? ये मेरी खाला की बेटी है। खाला की बेटी है, ईमानदारी से दस। अच्छा, ईमानदारी से दसना है कि जो गिफ्ट आप क्या लेके आए। मैंडे हवा शॉपर खाली, वो तो बाहर जाके पता चलेगा ना इसको, अब इसके साथ क्या होएगा। सच्ची बताओ ना, क्या लेकर आए हो मेरे लिए? हां, यही लेके आया हूं। अंडे? हां, वो बाहर जाके पता चलेगा। हां जी, अब बताएं जी, आप बताएं। मेरी सेहत के लिए अच्छा है, मैं मोटी हो जाऊंगी। सेहत आएगी, ठंडी नहीं लगेगी ज्यादा। 60-70 बंदे सारे गिफ्ट इकट्ठे करके ना 35-3600 रुपए दे बनने। तो लो, गिफ्ट छोटा हो या बड़ा हो, गिफ्ट तो गिफ्ट होता है ना। बस यह गल कह के अपने लिए इम्पोर्टेंट ये है कि ये लोग आए हैं मेरी बर्थडे पे, मुझे ये तो आप रोज कहें या रोज आ जाएंगे। इतने भी सस्ते नहीं है। देखो ना, खाने के लिए तो आ जाएंगे ये। लो, अल्लाह तेरे से यही उम्मीद है, तू खाने के लिए आती है बस। चलो जी, आओ जी। आप हैं, आप फर्ज करें कि आप बोल नहीं सकती। आपने इशारों में कहना है कि नाज़रीन एक वक्त हुआ एक ब्रेक का, मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। तीनों इशारों में समझाना है। चलो जी, इतना औखा। चलो जी, इशारों में इधर 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 एक ही एक ही ब्रेक होंगी यार, वक्त हुआ है ऐसे करें ना। यस, की बताए ना, वक्त हुआ है। ये तो ऐसे तो लाटू छोड़ते हैं। अच्छा, वक्त हुआ है आगे। नहीं, ये देखे नाज़रीन ब्रेक का, पर किसी भी तरीके से समझाना है ना। वक्त हुआ है ब्रेक का, चलो वक्त हुआ ब्रेक का। वो भी करे बात। यस, ओके, आगे आगे आप बताइए। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। लो जी नाज़रीन, वेलकम बैक भी इसी तरह करवाते हैं। इधर आए, आगे बोलना नहीं है। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद, ये कहना है इशारों में। मैं गूंगी थोड़ी। तो आप गूंगी हो। मुझे क्या पता आप कैसे बोलते हैं। कुछ भी इशारा करो ना, मैं बोल ही देती हूँ। बोलो, ये पकड़ो। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। आइए देखते हैं प्रोग्राम का बकिया हिस्सा। प्रोफेशनल तरीके से कहना है, ऐसे लगे जैसे दुनिया के बहुत बड़े टीवी चैनल की एंकर है कोई। चलो। अच्छा, चलो। वेलकम बैक नाज़रीन। यार मेरी तरफ नहीं देखना, उधर नाज़रीन। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। आइए देखते हैं प्रोग्राम का बकिया हिस्सा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में वापस आने का बहुत शुक्रिया। आइए देखते हैं हम प्रोग्राम का बकिया हिस्सा। बेटा
बेटा जरा चलो नर्वस नहीं होना, चलो वेलकम बैक नाजरीन प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। आइए देखते हैं प्रोग्राम का बकिया हिस्सा। वेलकम बैक नाजरीन प्रोग्राम में और दोबारा खुश आमदीद और पीपनी है जी ये। चल चल वेलकम बैक नाजरीन। चले 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 वेलकम बैक नाजरीन प्रोग्राम में दोबारा आने का खुश शुक्रिया। टौं, 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 टौं। वेलकम बैक नाजरीन प्रोग्राम में वापस आने का बहुत शुक्रिया। ओए उनका शुक्रिया नहीं, वेलकम बैक नाजरीन प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद, यानी आपको खुश आमदीद। तंग मैंने क्या उसको माचिस मारता हूँ नहीं करे ना फिर आगे लाइफ में करना नहीं कुछ उसने करने वो बहुत बहुत आगे जाएगी। क्यों करेगी, चलो करो उसको उठा उठा के मारी जा रहे हैं ना प्यारा सर है उसका। चलो फाइनल आखिरी टेक कैमरा यस। वेलकम बैक नाजरीन प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। आइए देखते हैं प्रोग्राम का बकिया। यस 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 सही बात है। अच्छा कसम से आपने कटिंग लड़कों वाली रखी हुई है, कोट पहना हुआ, मेरा दो मिनट दिल करता मैं इंज कर लूँगा। मैं फिर एक मैं जैनवर लल्ला की कसम सही बात कर रहा हूँ। लेकिन ये है कि माशाल्लाह बेटियाँ बहनें इकट्ठी हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम अस्सलाम। आपने अभी तक खाया कुछ नहीं ना, तभी आपकी आवाज नहीं निकल रही। नहीं आपकी क्या लगती है, इधर आओ ताजू रहे। मैं पढ़ाती हूँ इसको। माशाल्लाह। अच्छा क्या पढ़ाती है? मैं टीचर हूँ, बेसिकली टीचर हूँ मैं। किस क्या टीचर? मैं टीचर हूँ मैं, नहीं प्ले ग्रुप की मतलब स्पोर्ट्स टीचर। छोटे बच्चों को? छोटे बच्चों को। अच्छा किस तरह की टीचर है ये? बहुत नाइस, बहुत इंटेलिजेंट है जी। ये तो बोलता ही नहीं है, क्या सिखाया इसको? ओए बोल बे टीचर नु बिस्त कराई जा। अस्सलाम वालेकुम। कौन सा चिकन का रंग है? हैं? ये क्या है? हरा भरा चिकन। नहीं ये कौन सा चिकन है, ये इन्होंने कलर दिया हुआ है? ये हल्क हो गया बेचारा। ये आप पकड़े जरा। नादरी ने कभी देखा आपने? वो एक इंग्लिश फिल्म में नहीं आता हॉक, क्या कहते हैं हॉक, हल्क। ये क्या है जी? हरियाली बोटी। हरियाली बोटी मतलब ये चिकन है जी सर। ये यहीं की है या और भी कहीं मिलती है? सिर्फ यहीं पे मिलेगी। यहीं पे जी। वाह गुड। ये लें जी किडिया तेज ना कसमे खाना आया तो पछाण ही नहीं रही किसी ने, बिल्कुल ही नहीं पहचान रही है। ये क्या हो रहा है? एक और बात करनी थी मैंने, मेरी फ्रेंड तो बहुत लेट आई है ये। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक सर, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक। आप इतनी लेट? सर ग्रेट होना इसलिए लेट उन पर ग्रेट हूँ। हाँ जो लेट आते हैं वो जरा वो होता होना चाहिए। मैं एक बात बताऊँ, टाइम पे जाने से भी कदर नहीं होती, ये भी बड़ी अंदर की बात है। सही बात है सर, जो टाइम पे ना पहुंचे वो बंदा बंदा नहीं है। नहीं ये कोई बात नहीं है, थोड़ा लेट होना चाहिए। जो बड़ा बंदा होता ना जो खास, उसको थोड़ा लेट होना चाहिए, थोड़ा वेट करवाना चाहिए। यही आप सोच के लेट हुई? नहीं नहीं सर, असल में वो बात होती है कि मैं लेट नहीं होती, बाकी सारे जल्दी आ जाते हैं। हाँ वाह वाह वाह, ये तो वो बात हुई ना, वो ऐसे खड़े होते ना तो टीचर कहता ना एक 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 बंदा आगे आ जाए तो वो वही खड़ा रहता है, 26 पीछे हो जाते हैं तो वो आगे खड़ा नजर आना है। ये वो आपने बात की है कि बाकी पहले आ जाते हैं? बाकी पहले आ जाते हैं, मैं तो टाइम पे आती हूं। अच्छा ये आपकी दोस्त है? ये सर मेरी दोस्त है। कितने साल से दोस्ती का गोश्त है? सर यही कोई कुछ महीने हुए हैं, कुछ है? साल नहीं नहीं सर, साल हो गए, दो साल हो गए। कहाँ पे दोस्ती हुई थी? ये यूं ही चलते चलते कोई मिल गया था, इसी तरह ही चलते चलते जी मिल गया, कट जाएगा सफर। अच्छा आप गिफ्ट क्या लेके आई है? मैं तुसी ना जिस तरह अखा तरह शर्मिंदा शर्मिंदा ने ना, मैं लग रहा है वैसे ही आए। गिफ्ट आप ऐसा करें ना, आप इनको कोई 50,000 रुपए वाला तो गिफ्ट देना चाहिए। 50,000 रुपए वाला गिफ्ट? अच्छा 50 वाला दे दे, 50 को रहने दे। 50 वाला गिफ्ट दो? नहीं 50,000 वाला कोई। अच्छा 50 वाला सोने की चीज, कोई जागने की चीज गिफ्ट? यस यस यार, इधर क्रैप देखो गिफ्ट दे रहे। क्रैप यार क्रैप। यस ये होता है गिफ्ट, ये चाहे 10 रुपए का हो या 10 लाख रुपए का हो, लेकिन ये जो ये सबसे कीमती गिफ्ट है।
क्योंकि अपनी चीज उतार के अपने गले की जीनत उतार कर उन्होंने आपके गले की जीनत बनाई है। इससे अच्छा गिफ्ट ही कोई नहीं है सर, लेकिन ये नाल कोई 2-3 हज़ार रुपया भी सर मैं ते गले पै गई हूं। नहीं काफी जगह तुसी भी तौन बसा सकदे हो। एक ब्रेक लेनी है किसी भी अंदाज से लें, एक प्रोफेशनल तरीके से। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, ब्रेक लेनी आए नहीं हो आप? अच्छा जा रहे जाना है। हाफिज पाकिस्तानियों, ये क्या स्टाइल है? वो जा रहे हैं ना? नहीं नहीं चले चले। ये वो इस तरह का कुछ। एक मैं बात कहूंगी उससे आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। वो बात यह कि रोटी खुल गई। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं बेटा? ठीक, आप कैसे? ठीक ठाक हैं। हंस क्यों रही हैं? वैसे आपको पता है आपने कभी वो ऊंट देखा है? उसने वो एक पहना होता है। ये आप मास्क किस तरह का लेना? ये तो वो ऊंट रहना। नहीं तो प्यारा डिजाइन है। हैं? अच्छा ये आपने कोरोना के वजह से पहना हुआ है या मुँह से झाग निकलती तब पहना हुआ? कोरोना की वजह से पहना है। अच्छा अच्छा आप खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं? नहीं अभी नहीं, अभी तो आए हैं। पंजाबी आती है? जी आती है। सही सही आती है। लाहौर दी के फैसलाबाद दी? लाहौर दी आंदी, फैसलाबाद नहीं आंदी। फैसलाबाद नहीं आंदी, लाहौर दी पंजाबी आंदी। आंदी। अच्छा मैं लोडे वेले खुरे जो डेग पई सी। मैं लोडे वेले खुरे जो डिगियां बिशक दी अब्बे नु पुछला एदा की मतलब? नहीं पता। मैंने कहा शाम को गिरी है खुरे में। हाँ तो चाहे अब्बू से पूछ लो, चाहे अब्बू से पूछ लो। हाँ अब आपको पता था इस लफ्ज का पहले? शाम के अलावा बाकी सारा पता था। लौटे वेले को कहते हैं इवनिंग, खुरा वो जो टूटी के नीचे होता है छोटा सा जगह। जी वो पता है। बिशाखती का मतलब है चाहे। ठीक हो गया जी। अच्छा कोई शेर आता है आपको? नहीं। कोई लतीफा आता है? नहीं। कोई पहेली आती है? नहीं वो उनको आती है। आती नहीं? सही बताए। नहीं मुझे नहीं आती सीरियस पहेली, मुझे नहीं आती पहेलियाँ। अच्छा दो और दो कितने होते हैं सोच के बताइएगा? 22 या 4। 2 + 2? 4। अच्छा ये इतना आसान सवाल है मतलब इसका जवाब दे के तो क्या आपने कर लिया ऐसा अभी जो? पता नहीं। टोटल 100 के दरमियान में 9 जो है वो कितनी बार आता है बताएं? 11 बार। कैसे? नहीं 11 बार नहीं, 12 बार आता। नहीं 12 बार भी नहीं आता, 13 बार आता है। 13 बार जो तो कही जोगे तो फिर 15-20 मिनट बाद सही कह ही दोगे। 12 बार आता है, 12 बार आता है। अच्छा एक बड़ा पहले भी मैंने सवाल किया है, 11 में किस तरह 2 ऐड करें तो जवाब 1 आएगा? 11 में किस तरह 2 ऐड करें जवाब 1 आएगा? यानी 11 में किस तरह 2 ऐड करें तो जवाब जो है वो 1 आएगा, यानी 13 आना चाहिए ना? 11 और 2 13 आना चाहिए ना? लेकिन सेम ऐसे 11 में 2 ऐड करें जवाब 1 आता है, किस तरह? 1 और 1 जब साथ। नहीं इसमें कोई वो नहीं है, कोई शरारत वो कोई गुंजल नहीं है इसमें, सीधा सीधा 11 में 2 ऐड करें जवाब 1 आता है। मैथ वीक है तुम्हारी? आप बताएं। नहीं पता। तुसी उदों दे इहनां नूं दस रहे सी बूटी लवा रहे सी। हुण मैं तुहाडी गल मान ली, मैं कुछ तुसी बूटी लवा रहे सी, हुण दसो। नहीं हुण मैं नहीं दस्सी। 11 मैं तुहाडी मान ली, मैं दसना ही नहीं। आज बेटा देखना है पापा कितने अकलमंद है। आपने जवाब पूछा है, सवाल पूछा है तो आपको खुद भी पता होना चाहिए। अच्छा भाजी बात ये है जितनी बार भी आता है ना तो मेरे गलत बताने से उधर से कोई काम हो जाना ना ज्यादा हो जाना। वो आज खस्मा को खाए जितनी बार भी आता है। खस्मा नहीं खाए, हमारा सर खपा के तो बगैर खस्मा नहीं खाए। आपका सर कौन खपा सकता है? औरत का सर खपा सकता है दुनिया में कोई? मैं एग्री करता हूं। दोस्तों सही कह रहे हो। औरत का मैं नहीं एग्री करती। नहीं आप औरत नहीं हो, आप न्यू जनरेशन की बात नहीं करो, आप हो न्यू जनरेशन। न्यू जनरेशन नहीं होते औरतें वैसे ही बदनाम है। आप न्यू जनरेशन ही, आपकी 76 की दहेज है। कम बोली आपने, ज्यादा है 54 की है। कौन सा ऐसा परिंदा है उड़ने वाला जिसकी 4 टांगे होती है? बोले अपने
तो कहीं ज्यादा अच्छा जानते हैं। क्वेश्चन है आप पे, आपकी बात। चील की नहीं, चील और चील आपसे पूछा गया सवाल, आपने मेरे पास। अच्छा देखे नादरिन, नादरिन ये पाकिस्तानी कौम है, सोचना नहीं इन्होंने और एक दूजे ना शुरू हो गए लड़ना। आप बताएं, आप बताएं। हालांकि चार टांगों वाला कोई परिंदा होता ही नहीं। पॉइंट तुसी मैनूं अपना नंबर दिओ, मैं तुहानूं मैसेज कर देंगे, गल बहुत अगे चली। अभी ये बताएं, आपकी वाइफ है? हाँ जी। वाइफ के बारे में सवाल नहीं पूछना। वाइफ के बारे में मतलब कोई भी मतलब वाइफ के बारे में कुछ पूछने। मेरी आदत ये है, जब मुझे मियां बीवी मिलते हैं ना, तो मैं कभी भी भाई बन के भाभी नहीं समझता, मैं बहन बन के अगले को बहन ही समझता हूँ अपना। ये मेरी आदत है, मैं लोगों की तरह नहीं करता कि इनको भाई समझूं आपको भाभी, मैं आपको बहन कहता हूँ। इन्हें ना मैं साला बन जाना मैं। देखो ठीक है ना, आप मेरी बहन हो उस वजह से मैं थोड़ी बहुत इनकी इज्जत कर रहा हूँ। चलो ठीक है। अच्छा शादी को कितनी देर हो गई? आप अंदाजा लगाए। मैं अंदाजा लगाऊं? मैं तो उदो 2-3 साल का सी। सही बोला, आगे आपने पता नहीं मेरी पैदाइश क्या बता दी, इतनी आप देखने में नहीं लगती। बाजी मैं मजाक करता हूँ, माफ किया। मजाक करता हूँ आप मुझे, माफ किया। मुझे पता है मतलब 40 के राउंड बोर्ड तो आप हैं। ठीक है, तो अगर मैं मजाक में 50 कह दो, आप 10 निकाल लें, इसमें गुस्सा करने वाली कौन सी बात है? मैंने 10 और ऐड कर दिए थे। हाँ सर, एक की प्रॉब्लम है ना, उम्र का की रोल होता है। बस देखो ना, औरत ज्यादा है, की कही जाए, की कह सकने हैं मेरी। हाँ जी 28। ठीक है, तो मेरी फिर अभी 16 है। कितनी? मेरी 30 हुई उस हिसाब से, अगर आपकी। अच्छा मैं 26 का है, तो क्या लग रहा है तुम्हें, मतलब कितनी है मेरी? मेरी कितनी? 40 तक तो, 40 से ऊपर ही है, 30 से ऊपर है 40। हाँ जी जी। मैं पहला सकी भैन क्या, लेकिन उम्र के बारे जो बदला ले रही मेरे को, कैसी गल है, इसको नहीं बर्दाश्त कर दी। अच्छा सर, अच्छा सर एक बड़ा कड़वा कड़वा सवाल होता मेरा है मियां बीवी दे विच। अच्छा जी। कहते अग लाउनी। दूसरी शादी का सोचा कभी? हाँ जी। अगर वो कहते ना हाँ, तो फिर कोटे जड़ी पहनी सी ना इन्हें। सवाल तो ऐसे ही, जवाब तो ऐसे ही दिया। क्या क्या नहीं, नहीं सोचन दा मैं क्या ना, सिर्फ सोचे कीती दे नहीं। हाँ सिर्फ सोचा ही है ना, तो सोचना। अच्छा सोचने में सोचा, कल कर ली। पाइन तुसी क्यों सोचिया सर, हुन सोच ले हुन मैं की करा। बहरहाल पाइन तुसी सोच लिया, मेरी भैन नु कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ठीक है सर, बेशक शादी कर लो, है ना, है ना, है ना। मेरा दिल करता मेरी 2 भैणा होना। हाँ अच्छा 2 बहनें हो। अच्छा देख रहे गौर करो जी जी। हाँ साथ ही कर रहा है, गल है कभी भी नहीं करेंगे। अगर इस तरह का कभी बात हुआ मुझे बताना है। नंबर दे दे अपना। नंबर मैं दे देता हूँ। मैं देखना हाथी आके इन्हें रोक दा। आपकी जुबान में रुक गई है। मैं रोकांगा ना इन्हें, अगो ना रुकने इन्हें मर्जी। मैं तो रुकना। हाँ अच्छा एक करदा कोई मर्द नहीं है, मैं ड्रामेबाजी करते ने सारे, कितने जाना इन्होंने। आप दोनों खुश रहे हमेशा। और आपने नहीं बताया नाम अपना? रानिया। क्या? रानिया। यार गुड कॉन्फिडेंस। रानिया जी, रानिया जाफर। रानिया आप पढ़ती हो? यस। पढ़ती हो? पापा ज्यादा प्यार करते हैं मामा? दोनों। दोनों? अगर मैं कहूँ एक बताओ। बाबा। बाबा बेटियां होती ही बाबा की। अच्छा बेटा ये लो, ये माइक पकड़ो, उधर देखो कैमरे की तरफ, माइक मुंह के आगे करो और कहना है इधर देखो। हाँ तुमने कहना है नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, मिलते एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। यस अभी थोड़ा ऊंची बोलना है, नाज़रीन वक्त हुआ एक ब्रेक का, ऐसे बोलना है ठीक है। नाज़रीन वक्त हुआ एक ब्रेक का, मिलते एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। यस यस माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जानी। आमिर भाई कहते हैं। नाज़रीन ये आमिर भाई, कोई 2-3 हफ्ते पहले एक शो हमने किया था, वो कौन सा था,
रूफटॉप पे म्यूजिकली। हाँ म्यूजिकली में वहाँ पे आमिर भाई और मेरी बहन, हमने एक चिट चैट की थी, मजाक किया था। तो आज इनके हम ये कैफे रेस्टोरेंट है, कैफे में रेस्टोरेंट में फर्क क्या होता है? सर ये रेस्टोरेंट है, कैफे में मतलब आपका फास्ट फूड होता है, यहाँ पे आपका देसी भी है। अच्छा अच्छा, ये इतना खूबसूरत इंतज़ाम, इतना आजकल मैं ज़्यादा ये रेस्टोरेंट में जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे माहौल बड़ा अच्छा होता है, वीडियो में भी लुक बड़ी अच्छी आती है स्क्रीन की, और खाना भी मिल जाता है और बातचीत भी बड़ी अच्छी हो जाती है। इस रेस्टोरेंट की ख़ास बात क्या है? अगर मैं कहूँ कि इस तरह के हज़ारों हैं पाकिस्तान में, तो आप क्या कहेंगे कि जी यहाँ पर ये चीज़ है जिसकी वजह से ये मुनफरिद है? सर ये पाकिस्तान में ऑफकोर्स मुनफरिद है, इसमें आपको बारबेक्यू में वो वैरायटीज़ मिलती जो पूरे पाकिस्तान में नहीं है, लाइक मशरूम्स बारबेक्यू, पाइनएप्पल बारबेक्यू, पनीर बारबेक्यू, आपको ये पूरे पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ बारबेक्यू नेशंस एमएम आलम रोड पर मिलेंगी। अच्छा जी, आपका नाम? निमरा। निमरा, आपका? समरा। समरा। समरा निमरा जी, आप क्या करते हैं यहाँ पे? गेस्ट हैं जी, गेस्ट हैं आप यहाँ पे? अच्छा माशाल्लाह। सर ये आपका बेटा है? ये मेरा बेटा है। इसकी शक्ल बता रही है आपका बेटा, और ये शरारती है? शरारती भी है, है ना? बहुत ज्यादा। ये आप, अच्छा आप बाहर रहे हैं काफी देर? हाँ जी। तो ये इनकी पैदाइश बाहर की है? फैसलाबाद की है। ए जी? हाँ जी। तभी शरारती अखा देखो ना, जानी रखी है अखा भी शरारती में इशारा भी कर रहे हैं करके, है ना? यस, आप फिर तो इको शहर दे ना। गुड। अच्छा तुम्हें फैसलाबाद अच्छा लगता है? पाकिस्तान के सबसे अच्छा कौन सा शहर लगता है? फैसलाबाद। यस गुड, फैसलाबाद। पापा को कभी जुगत शुगत मारी? जुगत जुगत तो पता ही नहीं होता तुम्हें क्या होता है, पता है जुगत? नहीं, आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा तुम्हें। ते मारती, मुझे ये नहीं पता कि ये इस तरह कैसे। नहीं ये मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं इस बात से? नहीं आप इस बात से क्या कहना कि ये माँ पे गई है? ये जो है ना एक क्वेश्चन आके पता नहीं क्यों कैसे, इसकी बातों में बड़ी लॉजिक होती है, और मतलब छोटी बात में बहुत बड़ी बात कह जाती है। आपको क्या लगता है कि दोनों में से माँ पे कौन गया है? मेंटली सोच अप्रोच के हिसाब से, शक्ल सूरत नहीं, अप्रोच मेंटली अप्रोच के हिसाब से माँ पे कौन है, बाप पे कौन है? दोनों ही बाप पे। यानी दोनों अकलमंद है। अभी मैं उधर टेबल पे पूछ रहा था ना वो मेरी बाजी, तो मैं कभी कभी छेड़ने के लिए कह देता हूँ ना कि दूसरी शादी के बाद, तो फिर जो बीवी होती है ना उसकी शक्ल के डिजाइन देखने वाले होते हैं। दूसरी शादी की जब बात होती है यहाँ से एक लहर उठती है मर्दों की। हाँ मर्दों की, लेकिन औरत की ना इधर से कुछ उठती है ऐसे करके। तुम्हारी शक्ल तो लग रहा है कि डर रहे हैं। नहीं नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। भाई मेरी बहन है, डरना पड़ेगा आपको। मैंने थंब लगाया हुआ था, मैं सो रहा था तो इसने थंब लगवाया। दो अगलियां फड़ के जला लेनी है। वो दे थंब थमा थंब थंब। पाँव पाँव का था ना वो। ओले साहब लाया तो नहीं खुलिया खुलिया, उन्हें क्या पैरों का होना, पैर के गुठे ना लाया तो खुल गया। ओ यार आप बताएं यार मामा। अच्छा ये भी बाजी, ये भी ये जो बातें ना ये भी लाइफ की खूबसूरती है। बिल्कुल ऐसे ही है, हल्की हल्की चिट चैट झगड़ा हल्का हल्का, ये भी खूबसूरती है लाइफ। वो भी की जिंदगी अभी लड़े ही नहीं मैं अभी भी कभी। हम लड़ते भी हैं, प्यार भी करते, फिर एक हो जाते हैं। Yes, यही मोहब्बत, यही यही मोहब्बत है। अच्छा औपचारिक दो में कह रही हैं कि सांते पूछने नहीं दिया। वो एक दो उठ के चली। वो असल में इसने कहा था कि जानी भाई आ रहे हैं, जमानत करवा देना मेरी, मैंने नहीं बैठना। क्यों आपने क्यों नहीं बैठना मेरे साथ? उधर देखे माशाल्लाह। आपका नाम क्या है? समरा। अच्छा आप वही है जी, पहले तो मुंह छोटा सी। हाँ सच का बड्डा कर रहे हैं। नहीं, नहीं, अच्छा ये पकड़े, दाएं हाथ से पकड़े, ये रेड लाइट जल रही कितने नजर आ रही वसीम साहब? कहना कहना कैमरा मैन का मुंह इंजा कवो, कैमरे मैन का मुंह इंजा पुठी जुत्ती होंगी, पुठी जुत्ती।
ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦਾ ਮੂੰਹ ਇੰਜ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦਾ ਮੂੰਹ ਇੰਜ ਠੰਡੇ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਠੰਡੇ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਇੰਜ ਆ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਇੰਜ ਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਕਵੋ ਨਾ ਗੱਲ ਐ ਉਹਨੂੰ ਦੋ ਜੁਗਤਾਂ ਕੋ ਮਾਰਦੀ ਕਵੋ ਕਵੋ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਇੰਜ ਆ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਬਾਜੀ ਕਹਿ ਨਾ ਕਹਿ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਇੰਜ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਇੰਜ 700 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੁਲਚਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ज्यादा बड़ा कर लिया। अच्छा चलो आपने कहना लीजिए नादरी, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़। इधर कहना। अच्छा नादरी, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है, अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। नादरी बहुत बहुत ख्याल रखिए, अपना मास्क का जिम्मेदारी जो है ना वो बिल्कुल निभानी है आपने, मास्क पहनने की, और अपना बहुत ख्याल रखिए, अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।